और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। सुमावली से अजय सिंह कुशवाहा को की सुमावली से अजब सिंह कुशवार अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवार को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। यहां से पहले कुलदीप सिकरवार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन उनका नाम बदल दिया है। पिपरिया से वीरेंद्र बेलबंशी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने यहाँ से पहले गुरुचरण खरे को टिकट दिया था, लेकिन अब यहाँ से भी पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। और जावरा सीट से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारी विरोध के चलते कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, और पहले यहां से हिम्मत श्रीमाल प्रत्याशी थे। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं। और बता दें कि बड़नगर से मुरली गए हैं। बड़नगर से पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया था, लेकिन अब ये सीट कांग्रेस ने भारी विरोध के चलते बदल दी है। और बता दें कि राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। भारी विरोध के चलते कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यहां से पहले कुलदीप सिकरवार को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, उनको टिकट दिया था, लेकिन विरोध के चलते ये सीट बदली गई है। पिपरिया से वीरेंद्र बेलबंशी का नाम कांग्रेस पार्टी ने यहां से चेंज किया है। बता दें कि यहां पहले गुरुचरण खरे को टिकट मिला था, लेकिन यहां भी भारी विरोध हुआ, जिसके चलते पार्टी ने यह फैसला किया है। और बता दें कि जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, यहां भी विरोध हुआ कांग्रेस पार्टी का। बता दें कि पहले हिम्मत श्रीमाल यहां से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन इनका काफ़ी विरोध हुआ। और बड़नगर से मुरली मोरबाल को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़नगर पर भी कांग्रेस पार्टी का काफ़ी विरोध हुआ। पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया था, लेकिन विरोध के चलते कांग्रेस पार्टी ने यहां भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी